जातीय चैनल के माध्यम से रिपोर्टर शाहिद हुसैन नौगावा। इस वक्त हम नौगावा सादात में आए हुए हैं शाहिन शाह शन्नू साहब के पास, कि यहाँ इलेक्शन में जो ये आ रहे हैं इनके मन में क्या चल रहा है, जनता के लिए क्या क्या अपने मन में अरमान लेके आए हैं, जरा इनसे कुछ सवाल करें। आइए उनसे कुछ बात करें। हाँ सर, आज़ाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है जी। हाँ, ये जो निकाय चुनाव नौगावा सादात में आप इलेक्शन में आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे पहले तो सलाम अलैकुम। जो लोग भी अहले बस्ती, तमाम नौगावा सादात, नई बस्ती, पुरानी बस्ती, सभी आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे एक मौका दें, मेरी वाइफ को एक मौका दें। मेरी वाइफ खड़ी हो रही है, हम मिल के काम करेंगे। मेरी वाइफ और मैं अगर जीतेंगे तो उसके लिए हम बस्ती के लिए जो भी तरक्की के काम है, अच्छे अच्छे काम है, जैसे मेडिकल की सुविधा है, एम्बुलेंस लगाना है, दवाखाना, अस्पताल को अच्छी अच्छी मशीनें देना है, डॉक्टर देना है, जो पानी निकासी का मसला है, पानी नहीं निकलता, थोड़ी बारिश होती है तो उसका मसला हम हल करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक छोटा गार्डन हो बैठने के लिए, पानी का बिल फ्री किया जाएगा, हाउस टैक्स फ्री किया जाएगा। जो भी हमसे बेहतर से बेहतर काम हो सकेगा नौगावा सादात वासियों के लिए, अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे काम कर सकें। और उनको हर ना मुझे कोई कमीशन खाना है, ना कोई लालच किसी किस्म की है, नाम की, शोहरत की, पैसे की, किसी चीज़ की भूख नहीं होगी। सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए एक खिदमत करना, खिदमत कल करके खुदा को खुश करना मेरा मकसद है। अरे सर, आपका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम है शहनशाह हुसैन उर्फ शन्नू। मेरी वाइफ का नाम है गुलबानो। वही खड़ी होगी, वही इलेक्शन लड़ेगी। कहाँ से? नौगावा सदर से। तमाम अहले बस्ती से नौगावा सदर, चाहे पुरानी बस्ती हो, चाहे नई बस्ती हो, मैं सबके लिए एक जैसा काम करूँगा। किसी में भेदभाव नहीं करूँगा, किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी मिल्लत का आदमी हो, सब मेरे भाई बहन के जैसे होंगे। सबके लिए एक ही नज़रिया मेरा होगा, ईमानदारी पहली शर्त होगी। सबके लिए बहुत अच्छे से अच्छे मैं काम करूँगा, जो मुझसे हो सकेगा। मैं बाहर घूमा हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ, मुझे सब नॉलेज है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान होगा कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। हाँ जी, फरमाएं। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान अच्छा होगा कि अच्छे से अच्छे बच्चे हमारे पढ़ के निकलें, उनके लिए जो भी सुविधा हो जाएगी मैं करूँगा। एम्बुलेंस मुझे लगाना, मेरा बहुत अरमान है कि एम्बुलेंस लगाऊं। मैं 2-3 एम्बुलेंस लगाऊंगा, और प्लस उसके अंदर मेडिकल की सुविधा अच्छी करूंगा, पढ़ाई की अच्छी सुविधा करूंगा, पानी निकासी का अच्छा